शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले मन्ना डे साहब, आज यानी कि 1 मई को मन्ना डे साहब का जन्मदिन है। वो मन्ना डे जिन्होंने 4000 से भी ज्यादा गाने गाए, वो मन्ना डे जिन्होंने अपनी भाषा की मिठास और अनोखे अंदाज से हजारों गाने इस जगत को दिए। इस महान सिंगर के जन्मदिन के मौके पर आपको बताते हैं कि आखिर मन्ना डे किस एक्टर के फैन थे और ऐसा क्या हुआ था कि एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। भारतीय फिल्म जगत के बेहतरीन गायक प्रबोध चंद्र डे यानी कि मन्ना डे, जी हाँ, प्यार से इन्हें मन्ना डे कहा जाता था। 1 मई 1920 को कोलकाता में जन्म हुआ था इनका। मन्ना डे के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन संगीत की ओर था और वो इसी क्षेत्र में अपना करियर भी बनाना चाहते थे। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केसी डे से हासिल की थी। बंगाली फिल्मों में गाए उनके कई गीत काफी पसंद किए गए। इस बीच उन्होंने 4000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। उनकी आवाज का असर कुछ ऐसा था कि लोग कहते थे मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के किसी भी गाने को मन्ना डे के लिए गाना बड़े ही आराम की बात है, लेकिन मन्ना डे के किसी गाने को मोहम्मद रफी या किशोर कुमार के लिए गा पाना बेहद मुश्किल। अपने करियर में 4000 से ज्यादा गाने गाने वाले मन्ना डे ने हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को अपना आइडियल बनाया था। जी हाँ, वो राजेश खन्ना के डाई हार्ड फैन थे। उनका मानना था कि जितनी खूबसूरती से राजेश खन्ना गानों पर परफॉर्म करते हैं वैसा कोई और कर ही नहीं सकता। फिल्म आनंद का गाना जिंदगी कैसी ये पहेली को राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था और इस गाने को मन्ना डे ने गाया था। फिल्मों में कई खूबसूरत गानों को आवाज देने वाले मशहूर गायक मोहम्मद रफी ने भी कहा था कि लोग मेरे गाने सुनते हैं और मैं मन्ना डे को सुनता हूँ। लेकिन एक बार मन्ना डे को जेल जाने की नौबत आ गई थी। हुआ यूं था कि चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक संगीत समारोह का आयोजन होना था। कार्यक्रम के लिए दर्शक इंतजार कर रहे थे और उधर आयोजक रफू चक्कर हो गए। आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और शो के लिए बतौर मेहमान बुलाए गए मन्ना डे को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई। तभी शहर के रंगकर्मियों ने मिलकर मामला साफ किया और मन्ना डे को राहत मिल पाई। तो इस तरीके से कुछ किस्से हैं मन्ना डे से जुड़े जो उनके जन्मदिन पर हम याद करते हैं, साथ ही साथ उनके वो 4000 से भी ज्यादा गाए हुए गाने जिन्हें आज भी हम सुनकर भाव विभोर होते हैं। मन्ना डे को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए हम सभी का उनको सलाम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।